अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज हम बनाएंगे लियाकताबाद की बहुत ही मशहूर गौसिया नली बिरयानी। बहुत ही इजी और आसान तरीके से आज हम बनाएंगे और बिल्कुल अथेंटिक मेथड है ये। गौसिया नली बिरयानी कराची की बहुत ही ज़्यादा फेमस बिरयानी है। बहुत दूर दूर से ये गौसिया नली बिरयानी खाने आते हैं लोग। हालांकि ये गौसिया नली बिरयानी काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग इसे खाने आते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज हम बहुत ही इसी तरीके से ये गौसिया नली बिरयानी घर पे ही बनाएंगे, वो भी अथेंटिक रेसिपी से। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन कौन बिरयानी लवर है कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो चलिए कराची की बहुत ही फेमस गौसिया नली बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। तो यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो गोश्त लिया है, इन नलियों के बगैर 2 किलो गोश्त लिया है हमने, ठीक है। नलियाँ अलग से हैं और 2 किलो गोश्त अलग है। गोश्त को अच्छे से वॉश करने के बाद हमने इसे पकने के लिए रख दिया था 1 लीटर पानी डाल के, ताकि ये थोड़ा गल जाए। अब इसे 20 से 25 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये थोड़ा बहुत गल भी गया है गोश्त। अब हमने इस यखनी में जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, 2 अदद मैंने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है, 8 से 10 अदद मैंने यहाँ पे लौंग ली है, बादियान के फूल 6 अदद, 4 स्टिक दालचीनी के ले लेंगे, 5 अदद छोटी इलायची, 4 अदद तेज़पात, 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो और 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे कुटी हुई हरी मिर्च ली है। अब हम इन सब चीज़ों को यखनी के अंदर शामिल कर देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि चमचे को हमने ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि हमने इसके अंदर नलियाँ भी डाली हुई हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ तेज़ चमचा चलाएंगे तो सारी नलियों का जो गूदा है वो बाहर निकल के आ जाएगा। अब मसालों में जो इसमें जाएंगे, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1.5 टेबल स्पून हल्दी। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पर नमक शामिल कर दिया है क्योंकि हम बिरयानी यहाँ पे 1.5 किलो चावल की बना रहे हैं। कुछ लोगों को चावलों में नमक का अंदाज़ा नहीं होता है, तो अगर आप 1 किलो चावल में 1 मुट्ठी नमक डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा आपका, और अगर 2 किलो चावल हो तो 2 मुट्ठी नमक डाल दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रहता है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ नलियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे से पक गई हैं। अब हमने इन नलियों को बाहर निकाल लेना है। अगर हमने नलियों को इसी के अंदर रहने देंगे तो नलियों का गूदा जो है इस यखनी के अंदर आ जाएगा। थोड़ी सी अब हम इसके अंदर इमली शामिल कर देंगे। अगर आपके पास आलू बुखारे हों तो आप आलू बुखारे शामिल कर लें। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याला दही ले लिया है, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। इन सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तो अब हम कोरमा देख लेते हैं कि कोरमे का क्या हाल है। गोश्त जो है अच्छे से गल गया है और कोरमा भी अच्छे से बन गया है। तो देखिए हमें थोड़ा इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, लिक्विडी सी थोड़ी। जूसी बिरयानी बनाने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा पानी रहने ही देना है, बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया था और चावल हमने 80% बॉईल करने हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने चावलों को बॉईल कर लिया है। चावलों को बॉईल करना तो सबको ही आता होगा। हमने इसके अंदर कुछ भी नमक वगैरह नहीं डाला है। चावल जब 80% बॉईल हो जाए तब हम इनका सारा पानी निकाल देंगे। अब हमने एक बड़ा सा भगोना लेना है और कौरमे को हमने इस तरीके से भगोने के अंदर फैला देना है। नलियों को जो हमने बाहर निकाल दिया था, अब नलियों को भी हम इस तरीके से रख देंगे। 1 मुट्ठी के बराबर मेरे पास यहाँ पे ब्राउन प्याज है और ब्राउन प्याज को हम इस तरीके से बीच में रख देंगे। अब हमने जो झोल रेडी किया था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। 1-1 मुट्ठी मेरे पास यहाँ पे हरा धनिया पुदीना है, वो भी हम इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। 4 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर काटे हुए हैं, वो डाल देंगे इसके ऊपर। 4 अदद साबुत हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। तो देखिए इसकी लुक देखिए कितनी मज़ेदार सी आ रही है ये, और मुंह में पानी आ गया इसको देख के। तो ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो अब हम इसके ऊपर लेयर लगा देंगे चावलों की। चावल जो हैं 80% हमारे बॉयल हैं। तो चावलों की लेयर लग गई है। अब हमने जिस ऑयल में प्याज ब्राउन की थी उसी ऑयल को हमने लेना है। ये 1/2 कप ऑयल है तकरीबन। ये हम इस तरीके से ऊपर डाल देंगे इसे गर्म करके। अब हमने इसे कवर करके दम पर रख देना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसे हाई फ्लेम पे रखना है ताकि इसमें अच्छी सी भाप बन जाए। फिर हम इसकी फ्लेम को जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे, जिस तरीके से दम पे रखते हैं।
तो 15 मिनट हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है ये। तो देखिए यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी जूसी कितनी मज़ेदार सी बिरयानी बनी है ये। देखिए देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। आपने एक दफ़ा ये बिरयानी बना के ट्राई कर ली तो आप यकीन करें आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगी ये। अब चावलों को हमने अच्छे से खोल देना है और नलियों को हमने बाहर निकाल लेना है। अगर आप चाहें तो कुछ चावल आप वाइट बाहर निकाल लें, अगर किसी को कम स्पाइसी खाना पसंद हो तो वाइट चावल डाल के खा लें। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, कराची की बहुत ही फेमस गौसिया नली बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी यम्मी लग रही है ये, आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा, ये इतनी मज़ेदार बनती है। सो फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे साथियों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।